हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये देव भूमि है, हम हमेशा ही बोलते रहते हैं। और हमारे भारतीय संस्कृति में जो संपूर्ण देवता हैं वो गौ में निवास करते हैं। तो और उत्तराखंड में हमारे यहाँ जैसे बद्रीनाथ वाला जो जिला है, चमोली जनपद, तो उसमें हर बात में सबसे पहले गौ शब्द आता है। हे गौ कख जाने, हे गौ क्या खाने। तो वास्तव में जो देवताओं की अवहेलना और उनके प्रति जो उदासीन भाव आज समाज का है, उसके लिए यहाँ के जो हमारे इष्ट देवता हैं, बौख नाग हैं, ये श्री कृष्ण का ही स्वरूप है और दूध से ही इनकी उपासना और आराधना होती है। तो उन्होंने अपना परिचय दिया है, अपना प्रभाव दिखाया, क्योंकि अधिकतर लोग सोच रहे थे कि अब मशीनी युग आ गया, यंत्रों का युग आ गया, तो अब तंत्र और मंत्र वो शिथिल पड़ गए। लेकिन यहाँ इस देवता ने इस बात को सिद्ध कर दिया है कि यद्यपि ये यंत्र का युग है, लेकिन मंत्र और तंत्र अभी भी बरकरार हैं, सुरक्षित हैं। तो निश्चित रूप से बौख नाग की कृपा से ये लोग बाहर भी आएंगे और सरकारों को भी ये बात समझनी पड़ेगी कि देव शक्तियों की उपेक्षा करके हम किसी भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। हाँ जी, जहाँ विज्ञान काम नहीं आया वहाँ भगवान काम है। बिल्कुल बिल्कुल, भगवान विज्ञान तो एक विशिष्ट ज्ञान है, लेकिन भगवान ने तो इस जगत को बनाया है ना। आप जगत देख रहे हैं लेकिन जगत को बनाने वाले जगदीश को नहीं देख पा रहे हैं। तो उसकी उपेक्षा होना, उसका विस्मरण होना, ये तो संसार का सबसे बड़ा अज्ञान है ना। तो विज्ञान में भगवान होगा तो ज्ञान होगा। जी हाँ, बोल दिया, बोल दिया, क्या क्या पूछेंगे? मैडम आज कितना बड़ा दिन निकलने वाले हैं तमाम? देखिए, ये सुखद समाचार जो है हम सबको पुलकित कर रहा है। और आज मेरे पूज्यपाद गुरुजी गोपालमणि जी महाराज जी के चरण इस धरती पे पड़े हैं। हमें पूर्ण विश्वास है कि वो नाग देवता के की आराधना करते हैं और उन्होंने सिद्ध कर रखा है नाग देवता को। निश्चित रूप से वो जो 41 श्रमिक भाई हमारे अंदर फंसे हुए हैं वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। सरकार भी पूरी तरह से निष्ठा और ईमानदारी के साथ उनको निकालने के लिए तत्पर है। लेकिन जहां संत का आशीर्वाद होता है, जहां गौ माता का आशीर्वाद होता है, निश्चित रूप से वहां शुभ ही शुभ होता है। तो आज हम सब आशान्वित है कि आज वो निश्चित रूप से बाहर आएंगे। देखिए, आज हम आशा कर रहे हैं कि 2-3 घंटे में, वैसे तो ये है कि अब लगभग लास्ट मूवमेंट में है और बस भगवान बौक की कृपा होनी चाहिए और ये जल्दी आप लोगों के बीच में होंगे। कोई प्रशासन ने कुछ बताया कितने मीटर पहुंच गए हैं हम? यही है, 2-3 मीटर ही बता रहे हैं कि 2-3 मीटर रह गया है और काफ़ी तेज़ी से काम कर रहे हैं जो लोग अंदर फोर्सर रेड माइनर्स हैं। तो ये आशा ही कर सकते हैं कि बस आगे कोई वो ना आए, परेशानी ना आए। तो ये 2-3 घंटे में अब आप लोगों के सब हम सबके बीच होंगे। विधायक जी, एक सवाल और है कि जब इनको बाहर निकाल लिया जाएगा, रेस्क्यू ऑपरेशन हो जाएगा, तो उसके बाद क्या आप लोग कहाँ शिफ्ट करेंगे उनको, किस तरह से? देखिए, अभी ये है कि जब बाहर रेस्क्यू हो जाएगा तो इन लोगों को अगर जैसे जिसको जो ज़रूरत होगी, अगर सब वैसे देखिए थोड़ा बहुत परेशानी तो होगी क्योंकि 17 दिन से अंदर हैं। तो अगर किसी की तबीयत जैसे होगी, अगर किसी की ज़्यादा होगी तो उन्हें एम्स में यहाँ से ले जाया जाएगा और एयरलिफ्ट हर एक चीज़ का व्यवस्था है, पूरी चाक चौबंद है। जिसको जिस तरीके की, यहाँ से प्रत्येक के लिए एक एक एम्बुलेंस पे जाएंगे यहाँ से। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।